वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल किम्स ब्यूटी। कैसे आप सभी, आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए हेयर कलर का एक वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अपने घर पर अपने खुद से हिना किस तरीके से लगा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मेहंदी पहले से ही घोल रखी हूं। अगर आप लोगों को मेहंदी की घोलने की वीडियो चाहिए कि मैंने मेहंदी में क्या क्या मिक्स की हूं, वैसे तो मैं यहां ऐड कर दूंगी अपने स्क्रीन पे कि मैंने मेहंदी में क्या क्या मिक्स किया है। लेकिन आप लोगों को अगर मेहंदी बनाने के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम अपना हिना लगाते अपने बालों में। तो फ्रेंड्स हिना लगाने के लिए आपको अपने बाल एक दिन पहले ही शैम्पू अच्छे तरीके से कर लेना है और बाल बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो मैंने अपने बालों को शैम्पू कर रखी हूँ, अब मेरा बाल बिल्कुल ड्राई हो रखा है, ये देख लीजिए। अब मैं अपने बालों में आप लोगों को हिना करके दिखाऊंगी कि आप हिना कैसे लगा सकते हैं खुद से, बहुत ईजी तरीके से लगाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स मैं हिना लगाती हूँ, मेरे बाल वाइट नहीं है बट मुझे हिना का कलर बहुत ही प्यारा लगता है, बालों में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए मुझे हिना बहुत पसंद है। तो मैंने हिना को पहले से ही घोल के रख ली हूँ इस बाउल में, इसे मैं 24 घंटा तक घोल के रखी थी लोहे के बर्तन में, फिर मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हिना को अप्लाई आपको लोगों को किस तरीके से करनी है। फ्रेंड्स मैं आज किसी भी ग्लव्स वगैरह का कोई यूज नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट आप लोगों को अपने हैंड से लगा कर दिखाऊँगी ताकि आप लोग भी अपने अच्छे से लगा सकें। और इस समय फ्रेंड्स कहीं बाहर जाना नहीं है तो हैंड्स में अगर लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो वॉश होकर छूट जाएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये अपना आगे का पोर्शन ली हूँ और उसे ऐसे इस तरीके से अपने पूरे बालों में ऐसे लगा लूँगी, सिर्फ इस पोर्शन को, क्योंकि मुझे इसका जूड़ा बनाना है तो मैं इस तरीके से अच्छे से लगा लूँगी इसे। और अब क्या करूँगी फ्रेंड्स कि मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से जूड़ा बना लूँगी हल्का सा। अभी आपको सपोर्ट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जब ये एक बार सपोर्ट इसे मिल जाएगी तो ये जूड़ा आपका बहुत ही अच्छा बन जाएगा और आप बहुत ही इजी तरीके से मेहंदी को लगा पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसे सपोर्ट दे दी हूँ, अब इस पर अच्छे से मेहंदी लगा लूँगी ताकि ये हमारा जो जूड़ा है बिल्कुल बैठ जाएगा। अब मैं यहाँ से अपने हाथों से निकालूँगी फिंगर्स से बाल को और फिर इसको इसमें इस तरीके से रोल कर लूँगी, और रोल करने के बाद मैं इस तरीके से मेहंदी लूँगी और इसमें लगा लूँगी। फ्रेंड्स जिसके बाल वाइट हों वो बहुत पतला पतला लेयर लेंगे ताकि आपके बाल अच्छे से कवर हो सके। मेरे बाल वाइट नहीं है इसलिए मैं हल्का मोटा लेके लेयर लगा रही हूँ। जब आप अगर आप लोगों के बाल वाइट हों तो प्लीज़ थोड़ा मेहंदी बालों का जो आपकी क्वांटिटी हो थोड़ी पतली लेयर लेके करिएगा ताकि मेहंदी अच्छे से आपके बालों के जड़ों में लग सके। इस तरीके से फ्रेंड लगाने पर बहुत सही रहता है, आप अपने हाथ से मेहंदी लगा लेते हो आराम से ईजली। फ्रेंड्स हमें बार बार लेयर चेंज करना है, एक बार इस साइड से लेयर लेनी है एक बार बैक साइड से ताकि आपके बालों में अच्छे से हिना लग जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों के लिए मैं आप लोगों के टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी चीज़ करने में आसानी हो।
ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से मेहंदी लग जाती है और बहुत आसानी से आप मेहंदी को लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं अपने पूरे बालों में आराम से लगा लूँगी मेहंदी को। बैक के भी ऐसे ही आप लेयर वाइज उठाएंगे। देखिए मैंने बैक के बालों को ली हूँ लेयर में और मैं अभी से पहले जूड़ा की तरह लपेट लूँगी बाल में और फिर मैं इस पर मेहंदी लगाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के घर में कोई हो तो उससे आप मदद ले सकते हैं या तो फिर आप ऐसे मेहंदी लगा लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है फ्रेंड्स, बहुत ईजी तरीके से और कोई परेशानी भी नहीं होती है। देखिए मेरे आधे बाल कवर हो चुके हैं, बस थोड़े से ही रह गए हैं। आप जिस तरीके से मेहंदी बाल उठाएंगे उसी तरीके से मेहंदी को लगाएंगे ताकि आपके बाल उलझेंगे भी नहीं और अच्छे से मेहंदी लग जाएंगे। अब बस फ्रेंड मेरी इतनी सी बाल रह गई है, बाकी सारे मैंने मेहंदी को लगा लिया है। और फ्रेंड्स मैं ये देखिए मैं बहुत ही जल्दी इस मेहंदी को लगा ली हूँ, कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मुझे मेहंदी लगाने में। फ्रेंड आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आप लोगों के यूजफुल रहा कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड मेरे पूरे बालों में लग गई है मेहंदी। अब जहाँ भी मेरे बाल में मेहंदी बचा हुआ है मैं उसे पूरा कवर कर लूँगी। बैक में भी अच्छे से लगा लेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से मेहंदी लगाने में परेशानी नहीं होती है और बैक में अच्छे तरीके से लग जाती है। ये देखिए फ्रेंड मैंने अपने बालों का अच्छे से जुड़ा भी बना लिया है और मेरी मेहंदी पूरी लग गई है। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फ्रेंड्स अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है रत्नापाल के नाम से। तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे वहाँ पर फॉलो ज़रूर करें।